हाय गाइस, मेरा नाम आशीष मेनन और मैंने एक साल पहले इस फार्म की शुरुआत की थी वापस, जो कुरपत नाम कुरपत फार्म्स के नाम से फेमस है आज भी। फार्म शुरू किया था पिताजी ने, लेकिन 2016 में कैंसर की वजह से हमने उन्हें खो दिया। उनका बहुत बड़ा सपना था कि इस फार्म को मैं चलाऊं और अच्छी तरीके से चलाऊं, ये फार्म चले बस। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है और आज दिखाता हूँ मैं आपको कि मेरे फार्म्स में एक्चुअली है क्या क्या। तो पिछले साल मैं लेके आया था 6 गाय, उसमें से एक गाय की डेथ हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, ज़्यादा खा लिया था उसने। तो फिर भी मेरे पास बाकी 5 गाय है, उसके अलावा मैंने एक गाय खरीदी है यहाँ पे। तो मैं दिखाऊंगा उनको कि कौन कौन सी गाय है। एक ये जो ब्लैक एंड वाइट, दिस इज़ ये जर्सी और HF का क्रॉस है, और सेम गोस विद दिस वन, ये भी ब्लैक एंड वाइट जर्सी और HF क्रॉस, और कैमरा में आना चाहती है ये मू, और फिर ये तीसरी ब्लैक एंड वाइट। तो इन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन दिया मिल्क का साल भर, और अभी तक मेरे को एवरेज इनसे 50 लीटर्स पर डे मिला है 6 गायों में। तो मतलब एवरेज बता रहा हूँ पूरे 365 डेज का, कभी 70 लीटर पहुँचता है, कभी 60, कभी 45। ज़्यादातर जब घास की कमी होती है तभी 70, मतलब तब 45 तक पहुँच जाता है दूध। वैसे ये सबसे प्यारी गाय हमारी, बहुत और इसके अलावा मेरी और जो सारा प्रोडक्शन है जिसका दूध का, उसमें से एक है ये है अगेन HF और जर्सी की क्रॉस। ये थोड़ी सी विलन है, थोड़ा लापता चलाती है, पर फिर भी कंट्रोल किया हुआ इसको। और फिर ये है हमारी जो सबसे प्यारी गाय है, द ब्राउन वन, ये जर्सी में आती है और ये भी प्रेग्नेंट है, एंड इसकी डिलीवरी होगी इस फार्म में पहली बार। और ये जो एक गाय है, ये जो मैंने नई ली है, ये भी बहुत, इसका प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा है दूध का, 12 से 13 लीटर दूध दे देती है दिन में, और इसका एवरेज चल रहा है अभी तक। बहुत ही शांत गाय है, बहुत ही शांत गाय है। तो अभी ये फार्म को वो शुरू किए हुए एक साल हो चुका है, एग्जैक्टली 26 मई लास्ट ईयर मैंने शुरू किया था, और इनके लिए घास की व्यवस्था भी प्रॉपर कर रखी है हमने। अभी घास यहाँ पे काट के रखा हुआ है इनके लिए, और जो मेरा खेत है वहाँ पे घास ऑलरेडी है। इनके साथ साथ इनके गोबर से जैविक खेती भी काफ़ी की है हमने, और उसके वीडियोज़ मैंने काफ़ी डाले थे जिसमें भिंडी, चौली और फूल गोभी, पत्ता गोभी, फिर स्वीट पम्पकिन और मिर्च, काफ़ी सब्जियां मैंने उगाई है, और मुझे उनका काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला है। और फिर साथ ही में ये दो शैतान भी मिले थे, रोमियो एंड जूलियट, इन्होंने मेरे को काफ़ी इमोशनल सपोर्ट भी दिया है, तभी मैं अभी तक टिक पाया हूँ इस फार्म के बिज़नेस में। और बिज़नेस करते वक्त आपको सबसे पहली चीज़ ध्यान में जो रखनी है वो है कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। अगर आप लेबर्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो फिर लेबर्स अगर नहीं रहे और बीच में छोड़ के चले गए, देन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि अगर आप सारा काम खुद जानते हो, दूध निकालने से लेके गाय की सफाई से लेके उनके मेडिकेशन से लेके, तो इस बिज़नेस में आपको कोई नहीं हरा सकता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सारे कस्टमर्स का भी, बिकॉज बहुत सारे कस्टमर्स थे जिन्होंने, अगर मैं दूध लेट भी पहुँचाता हूँ तो भी उन्होंने दूध लेना बंद नहीं किया, और उनको एक चीज़ पता है कि चाहे बाढ़ आए, क्योंकि केरला में पिछले साल सबसे बड़ी बाढ़ आई थी जो पिछले 60-70 साल में आज तक नहीं आई, और फिर भी मैंने कोशिश की अपनी तरफ से पूरी कि हर दिन दूध सप्लाई कर सकूँ उन सबको, और किया भी है, और उसमें मेरी मदद काफ़ी लोगों ने किया। उनमें से एक है हमारी आंटी जी, जो अभी फ़िलहाल तो साफ सफाई कर रही हैं। आंटी जी हाय बोलिए। हाय
तो ये है हमारी वन मैन आर्मी। तो जब साफ़ सफाई की बात होती है, सारी चीज़ें, गाय का ध्यान रखना, उनका खाना लगाना, सब यही करती हैं। हाथ पे लाके बोलिए। हाय। और यही हमें, मेरे लिए खाना भी बनाती हैं। तो बोल सकते हैं कि जो एक माँ की कमी है वो पूरी की है इन्होंने, बच्चे की तरह देखा है मेरे को भी और जानवरों को भी। और ये है हमारे इस जगह के देवता। तो इनको कुट्टी चातन बोला जाता है। रोज शाम को दिया जलता है इनके लिए, और जितने भी जानवर हैं, मेरे पास यहाँ पे मुर्गी हो गए, मेरे ये दोनों शैतान हो गए, फिर मेरी जो 6 बच्चे हैं, 6 गाय, तो उन सब के लिए कहते हैं उनकी रक्षा करना। वो इन कुटी चातन जी के भरोसे है। और फिर इसके अलावा जो नारियल की खेती है वो मिलती रहती है। अभी आप देखेंगे कि नारियल काफ़ी हार्वेस्ट किया हुआ इधर। और ये तो सिर्फ एक सीज़न का, अभी तक पूरा भी नहीं निकाला है। उसमें से बहुत नारियल निकाल के हम तेल निकालेंगे अभी उसका। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं वीडियोस डालता रहूँगा। और थैंक यू बोलना चाहूँगा सबके लिए जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, खासकर मेरे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में इमोशनल सपोर्ट देने के लिए बहुत लोग थे। कपिल, आई वॉन्ट टू नेम हिम कपिल, बिकॉज ही हेल्प मी फाइनेंशली ऑल्सो। थोड़े अप्स एंड डाउन सब आए थे। एंड राजेश, जिसने हमेशा बात करके मोटिवेट ही किया है। फिर पवन, जो इधर आके भी गया, उसने भी काफ़ी सपोर्ट किया। और फिर मेरी मॉम, जो हमेशा टेंशन में रहती हैं कि मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक ये काम कभी किया नहीं है इससे पहले। तो इन सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये देखिए, ये घास की ज़मीन है जहाँ पे गायों की घास उगती है। अभी कटाई हुई है इधर, तो बरसात का मौसम आने वाला है। तो एज सून एज मानसून स्टार्ट्स, ये घास और भी बड़ी बड़ी लंबी होंगी। एंड स्वीट पम्पकिन जहाँ जहाँ लगा सकते हैं वहाँ लगाया मैंने। अभी जैसे ये एरिया है, ये बिल्कुल जंगल की तरह लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए पम्पकिन का पूरा आ रखा है। ये पम्पकिन के बेल हैं जो दिख रहे हैं आपको, स्वीट पम्पकिन। और इनमें से भी एक बड़ा साइज का पम्पकिन मिला भी है। एंड अगेन, ये पूरी घास आप देख रहे हो, बहुत अच्छी क्वांटिटी में है घास। अभी मैं 10 गाय और रख सकता हूँ अपने पास, बट फिलहाल थोड़े इश्यूज़ हैं, स्पेशली फाइनेंशली, वो हर फार्म में होते ही हैं। तो मोस्ट प्रोबली थोड़ा मैन पावर भी लगेगा, बिकॉज़ अकेले मैं 6 गाय 10 गाय तक संभाल सकता हूँ, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट है एटलीस्ट 20 गायों का। मतलब एक आदमी को अगर चलाना है और अच्छी तरीके से देखे, और उनके पास अगर रिसोर्सेज हैं, तो फिर आराम से 10 गाय तक रख सकते हैं, और उनसे उनका महीने में इनकम भी निकल जाएगा 50-60 हज़ार तक का। तो ये है, 1 साल कंप्लीट होने के लिए ये वीडियो बनाया आ रहा हूँ मैं अभी। और इसके बाद और भी डालूँगा कि मैंने क्या किया है, क्या क्या नया सीखा है, इन सब के बारे में भी अपडेट करता रहूँगा। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल कुरपत फार्म्स। एंड मेरा नाम आशीष मेनन। जय जवान, जय किसान।